चेतन जी सर, तू हमेशा रोता क्यों रहता है? नहीं नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं है, चेहरा ही ऐसा है। तेरा तेरा चे, तेरा चेहरा जब जब भी देखता हूँ हमेशा लटका। रूहान सर को क्या हो गया? लटका रूहान सर अब ठीक तो है? रूहान सर अब ठीक तो है? क्या हो गया आपको सर? रूहान सर, मैं रस्सी खींचता हूं। रोहन सर, चलो मैंने कहा ना चलो। रूहान कहाँ है? तुम उसकी फिक्र मत करो, रूहान जिंदा है। देखो रूहान ने मुझे यहाँ ही बुलाया था, तुम जाओ और जाके उनको बुला के लाओ। तुम आओ तो सही। तुम मुझे जब तक ये नहीं बताओगे कि रूहान कहाँ है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। रूहान ने तुमसे मिलने से मना कर दिया है। क्या क्या बकवास कर रहे हो तुम? रूहान ऐसा कभी नहीं बोल सकता। रूहान हर दूसरे दिन एक नई गर्लफ्रेंड ढूंढ ही लेता है। तुम्हारा मालिक है वो, तमीज से बात करो, समझे? ये तमीज अमीज सब गड्ढे में फेंको। रूहान के डैडी राय बहादुर साहब तुमसे मिलना चाहते हैं। क्या राय बहादुर जी मुझसे मिलना चाहते हैं? चलो। यहां रुको, राय साहब अभी आते ही होंगे।
ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? हेलो, कोई है बाहर? रोहन, रोहन तुम हो? इसके पहले भी कई बार ऐसा हो चुका है। इससे पहले भी कई लड़कियां रोहन रोहन कहते कहते बेहोश हो गई हैं। उसके बाद कहां गई पता ही नहीं चला। प्लीज मुझे घर जाने दो। रोहन को भूल जाओ। कौन है वो? कौन है? मैं रोहन को नहीं भूल सकती। प्यार करती हूं मैं उससे और शादी होने वाली है हमारी। शादी? और वो भी रोहन से? ये क्या है? इसे खोल के देख लो। मुझे रोहन से मिलना है और मुझे उसे आप भी मिलना है। खोल के देखो। करोड़ है इसमें। कल से तुम्हारी जुबान पर रोहन का नाम भी नहीं आना चाहिए। नहीं, मुझे रोहन से मिलना है और वो भी अभी। टांग तोड़ के रख दूंगा मैं तेरे, चलने के लायक नहीं रहेगी। फिर कैसे मिलेगी रोहन से? आप मेरी टांगे तोड़ेंगे? टांगे भी और हाथ भी। चुपचाप पैसे लेकर यहां से गायब हो जा, वरना तेरी लाश भी नहीं मिलेगी। और जब मैं रोहन को यही बताऊंगी कि उसके खुद के पिता ने मुझे 5 करोड़ रुपए देकर खरीदने की कोशिश की है, तो वो आपके बारे में क्या सोचेगा? क्या कभी सोचा है आपने ये? निशिका के बारे में डैड को तूने बताया ना? मैंने नहीं बताया। तूने नहीं बताया तो किसने बताया? हाँ? और ये तेरी पैंट में हर समय आग क्यों लगी रहती है? बोल। अगर तूने नहीं बताया तो डैड को कैसे पता चला निशिका और बाकी गर्ल्स के बारे में? वो राय बहादुर है, उनकी आंखें चारों तरफ रहती हैं। ये राय बहादुर नहीं, ये तू है। तू तू हर समय मेरा पीछा करता है, मेरी जासूसी करता है तू। और एक बात ध्यान रख, तुझे यहां मेरी वजह से, सिर्फ मेरी वजह से रखा हुआ इस महल के अंदर। कान में कचरा भरा है ना, तो पेपर की बत्ती बना साफ कर और सुन। ये जो राजकुमार बना घूम रहा है ना तू, इस पैसे पे मेरा भी हक है, मेरे नाना की जायदाद में मेरा भी हिस्सा है। वो तो तुम बाप बेटों ने ऐसा चक्कर चलाया कि मुझे मैनेजर बना के रख दिया। दुनिया का हर फटीचर आदमी यही कहता है कि वो चांदी के बर्तन में खाता था। अरे हाँ हाँ, मैं खाता था चांदी के बर्तन में।
तुमने और तुम्हारे बाप राय बहादुर ने ऐसा चक्कर चलाया, सारे के सारे पेपर गायब कर दिए। ये बताना प्लीज, तुम तानिया को मत बताना। क्या है ना कि मैं उससे शादी करने वाला हूं। वो वाली शादी जो तो तूने निशा रिशा टिशा और मिशिका से की थी, वो वाली शादी। एक बात बता, तूने तानिया को मिशिका के बारे में तो नहीं बताया ना? बताया। किसी ने बताया मुझे, संजीव ने ही बताया तुम्हारे और मिशिका के बारे में। पता था मुझे इसकी, तो मैं सुना है 5 करोड़ लेकर गई वो। पूरे 5 करोड़ दिए राय बहादुर ने, बेहतर है कि तुम भी समझ जाओ। तुमने जो मेरे साथ किया है ना रोहन, उसका बदला मैं तुमसे लेके रहूंगी। पेट पे गोली लगी है। अरे हाथ गरम है सर। जिंदा है? हाँ सर, ये तो जिंदा लग रहा है। चलो हॉस्पिटल लेके चलो, जल्दी उठाओ इसको। सर गोली छाती पे मारी है। करना फ्रेडी जल्दी। कमाल है, आप लोगों ने देखा नहीं आदमी जिंदा था यहाँ पे? सब हमें लगा मर गया है। जल्दी हॉस्पिटल पहुंच जाता तो शायद बच जाता। अब पता नहीं क्या होगा। पूर्वी ये सारी कॉफी इकट्ठा कर लो और फॉरेंसिक लैब भेज दो। राय बहादुर जी एक बात बताइए, यहां से किसी को भागते जाते हुए देखा तुमने, या फिर कौन गोली चला सकता है? कुछ अंदाजा है आप लोगों को है? मैं तो किचन में था सब, खाना बना रहा था, और जब सर गोली चलने की आवाज आई तो मैं ऑफिस में बैठा था। और राय बहादुर जी? हाँ मैं यहीं था घर पे। सर जैसे ही हमने गोली चलने की आवाज सुनी, मैं और काका भाग के यहाँ पे आए और हमने देखा कि गोली चली एक और लाशें दो, है ना कमाल की बात। ऑफिस कहाँ है तुम्हारा? जी सर मेरा ऑफिस राय साहब के घर के बिल्कुल पास में है।
अच्छा, तो तुरंत आ गए थे तुम? जी, गोली चलने की आवाज सुनी तो मैं फौरन आ गया था। देखा तो राय साहब खड़े थे और काका वहीं पे खड़े थे। राय बहादुर और काका जी यहीं पर थे? अच्छा, गोली कहां से चली होगी? एक बात बताइए, ये आपका बेटा रूहान, क्या उसका किसी के साथ कोई झगड़ा था, किसी के साथ कोई दुश्मनी? जी नहीं, उसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी, वो बहुत शरीफ लड़का था। दूर दूर तक चर्चे थे इनके बेटे के। क्यों बदनाम कर रहे हो तुम उसे? हैं? सर, नाम तो इनके बेटे का मशहूर था लड़कियां घुमाने के लिए। कितनी लड़कियों को धोखा दिया है। फिलहाल दो गर्लफ्रेंड्स हैं इनकी, एक का नाम तानिया और दूसरी मिशिका। साहब, ये रूहान के मोबाइल पे किसी लड़की ने वीडियो भेजा है सर, 5 करोड़ रुपए का। रूहान, तुम्हारे डैडी ने मुझे खरीदने की कोशिश की है, 5 करोड़ रुपए दिए हैं उन्होंने मुझे, बस यही कीमत लगाई तुम लोगों ने मेरी। मिशिका नाम है सर इसका। मिशिका। रूहान के बाप को ब्लैकमेल किया तुमने, 5 करोड़ रुपए निकाल लिए उससे। एक्सक्यूज मी सर, मैं राय बहादुर का थोबरा भी नहीं देखना चाहती थी, मैं तो वहां रूहान से मिलने गई थी। अगर 5 करोड़ रुपए मिलने वाले थे तो थोड़ी देर के लिए थोबरा देखने में क्या हर्ज है? सर, मुझे फोर्स किया था राय बहादुर ने मिलने के लिए। मेरा खुद का एनजीओ है सर, और मैं एग्रीकल्चर पे रिसर्च करती हूँ। कल कहाँ थे आप? सतारा में, आज सुबह ही वापस लौटी। और अगर आप चाहें तो मेरा फोन चेक कर सकते हैं। वो तो चेक करेंगे हम लोग, किस किस को कॉल किया आपने और किस किस का फोन आया आपको, सब देखेंगे। ठीक है, देखिए, शौक से देखिए, मेरा भी और राय बहादुर का भी। राय बहादुर का? उनका क्यों? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन में वो भिखारी बन सकता था। बहुत जहर भरा है तुम्हारे दिल में राय बहादुर जी के लिए। सो, रूहान की माँ ने मरने से पहले एक बंद लिफाफा छोड़ा था, और सबको पता है कि जैसे वो लिफाफा खुलेगा, सारी जायदाद, सारा पैसा रूहान के नाम हो जाएगा। और राय बहादुर ठन ठन गोपाल। राय बहादुर तो रूहान के पिता है, वैसे भी ये सारी जायदाद उन्हीं की है। सर, सगा पिता नहीं, सौतेला पिता। हाँ, मैं सौतेला हूं, और दुनिया में हर सौतेले बाप की यह कहानी है कि वो अपने बेटे बेटियों के लिए कुछ भी कर ले, लेकिन दुनिया हमेशा उसको शक की नजरों से देखती है। तो ये सच है कि आपका और रूहान का हर रोज किसी ना किसी बात को लेकर पंगा होता रहता था? पंगा तो हो गई, रोज एक नई गर्लफ्रेंड को लेकर साथ घूमता था। मैंने कितना समझाया कि अपनी नहीं तो कम से कम मेरी इज्जत का तो ख्याल करें, लेकिन नहीं। आपने तो 5 करोड़ रुपए दिए ना मिशिका को? 5 करोड़ में मैंने उसे निपटा दिया, कौन जानता है कि कल वो 100 करोड़ मांगती। ये बेवकूफ लड़का इतनी सी बात भी नहीं समझता था। खैर, अब तो बेचारा रहा ही नहीं। वैसे आपके पास कोई गन है? हाँ, जरा दिखाइए। क्यों? देखनी है कि वो चली है कि नहीं। आपका मतलब है कि? जी, आपने सही समझा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने खुद रूहान को? मैंने? बेटा था वो मेरा, मैं उसका सौतेला बाप था तो क्या हुआ? मैं प्यार करता था उसको, और आप कहते हैं कि मैंने अपने बेटे का खून कर दिया। देखिए, हमने सिर्फ इतना कहा कि हमें वो गन दिखाइए। गन दिखाने का यही मतलब है ना आपका कि मैंने उसे? जी हाँ, यही मतलब है। चलिए, गन दिखाइए, कहाँ है? Thank you.
लॉकर में और क्या? कुछ खास नहीं, बस ये नहीं है। अभिजीत, इस गन से गोली चली है। इस गन को मैंने सालों से हाथ नहीं लगाया। तो फिर गोली कैसे चली? ये गन अंदर कवर्ड में रखी थी, गोली कैसे चलेगी? चलिए, इसमें से गन पाउडर की बदबू आ रही है, जैसे अभी अभी गोली चली है इसमें से। क्या मजाक है ये? हा? क्या मजाक है ये? गोली कवर्ड में अपने आप चल जाएगी? जी नहीं, अपने आप नहीं चली है, आपने चलाई है। गोली चला के गन अंदर रख दी। पानी के पास हम लोग बार बार पूछ रहे थे, गोली चली तो चली कहां से? वहां मुंह पे सील लगा के चुपचाप खड़े हुए थे। उड़ा दिया अपने बेटे को। मैंने उड़ा दिया? क्यों? अरे यार, ये बार बार वही रट लगा के बैठा हुआ है। मैं क्यों? क्योंकि 10 दिन के बाद अदालत में लिफाफा खुलने वाला है। ये सारी अमीरी है ना, चली जाएगी। आज का राजा कल का भिखारी बन जाएगा, इसलिए तुमने मारा है। हाँ सालूम सर, ठीक है सर, ओके। हाँ, राय बहादुर साहब को भी ले आते हैं, ठीक है। राय बहादुर जी, अगर डॉक्टर सालूम के बता देते हैं कि रूहान के शरीर में जो गोली है वो इसी गन से चली है, तब तो आज रात आपको जेल में मच्छर गिनने पड़ेंगे। बॉस, आज आपको मेरी बातों का सही सही जवाब देना पड़ेगा। अरे पर बात तो बता। आप लोगों ने जब देखा लाश लेटी हुई थी? लाश कब खड़ी होती है? हाँ सर, वो जाने भी दो यारो फिल्म, उसमें लाश खड़ी थी। बॉस, रूहान खुद लेटा था या इसे लिटाया गया था? समझे, ये तो चेतन ही जानता है, पर चेतन इस वक्त हॉस्पिटल में बेहोश पड़ा है। यहां जो खड़े हैं उन्हें मालूम है कि रूहान ने जब कॉफी पी थी तो क्या हुआ था। ये देखो बॉस, क्या हो रहा है? क्या क्या हो रहा है? नई बात क्या है इसमें? है कॉफी है, कॉफी में शक्कर है, चींटियां है, और चींटियां शक्कर खाने के लिए जा रही है। एक मिनट, शक्कर खाने के बाद क्या हो रहा है ये देखो जरा। ये बॉस, कॉफी में कुछ ऐसा मिलाया गया था जिसे पीते ही रूहान लुढ़क गया। कॉफी पीते ही रूहान लुढ़क गया, मतलब उसे पता ही नहीं चला कि किसने गोली चलाई। और गोली भी कमाल की, 5 इंच लंबी गोली। 5 इंच? ये कौन सी गोली है डॉक्टर साहब? पहले तो कभी इस तरह की गोली के बारे में सुना भी नहीं था। जरा गोली दिखा, दिखा मुझे। गोली तो नहीं, तो फेंके जा रहा है इसे। फेंक नहीं रहा हूं बॉस, जो घाव है ना, ये 5 इंच गहरा घाव है। छेद है पर गोली नहीं है। एग्जिट वुंड है? नहीं, एग्जिट वुंड तो नहीं है। तो फिर गोली कहीं कहां? पता नहीं सर, गोली मेरी रिवॉल्वर से नहीं चली ना? नहीं। एसीपी साहब, मैंने आपसे कहा था ना कि मेरा सौतेला बेटा जरूर है, लेकिन मैं इसे बहुत प्यार करता हूं। हो ना हो, इसे चेतन ने मारा है। पर उसे भी तो गोली लगी है। लगी होने दीजिए, लेकिन गोली उसी ने मारी है। सालों से हम लोगों के लिए उसके दिल में जहर भरा हुआ है। तो क्यों? रूहान ने शराब पी के गाड़ी चलाई और अपनी गाड़ी के नीचे 3 लोगों को कुचल दिया था।
रोहन, रोहन, तुम इसको लेके जाओ, जब तक मैं ना कहूं तब तक किसी को फोन मत करना। चेतन सर, देखो अगर पुलिस पूछे ना कि गाड़ी कौन चला रहा था तो बता देना कि गाड़ी रोहन नहीं, तुम चला रहे थे। लेकिन देखो देखो, देखो प्लीज, मैं हूं ना, मैं तुम्हारे बीबी बच्चों का पूरी तरह से ख्याल रखूंगा, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। कोर्ट में चेतन ने कहा कि गाड़ी वो चला रहा था, रोहन की जगह पे चेतन जेल चला गया, पीछे से चेतन का बच्चा डेंगू फीवर से मर गया, बस तब से उसने हम लोगों को कभी माफ नहीं किया। चेतन के बॉडी से गोली निकाल ली है, बीच बीच में उसे होश आता है लेकिन बचना मुश्किल है। दो मिनट बात करनी है इससे, जरा बस एक मिनट के लिए उससे बात कर सकते हैं। चेतन, चेतन, रोहन को किसने मारा? मालूम नहीं सर। तुमने मारा उसे? नहीं। तो फिर? तो कॉफी, उसके हाथ से कॉफी गिर गई। कॉफी? हाँ फिर? हाँ जी, एक आवाज आई शक करके। रोहन सर, मैं रस्सी खींचता हूँ। चेतन, फायर किसने किया? गोली किसने चलाई चेतन? चेतन, शायद चेतन ने खूनी को देखा था। सर, ये रोहन यहां पे लेटा हुआ था जब उसे गोली लगी। और गोली लगते ही शरीर में से खून धनाधन बाहर निकला होगा। गोली तो सर ऊपर से ही चली होगी। सर यहां पर तो कुछ भी नहीं। जो भी है उतार के ले गया होगा। ये सब करने के लिए इतना टाइम मिला कैसे होगा उसे? फटाफट किया होगा और यहीं कहीं फेंक भी दिया होगा। अगर फेंक दिया है तो फिर पानी के अंदर ही।
कुछ है? रिमोट और ये रही 5 इंच की गोली। ओ, तो मतलब ये 5 इंच की गोली इसके अंदर ऐसे फिट की गई थी और फिर रिमोट से गोली फायर की गई। गोली ऊपर से आई सीधे रूहान के सीने में। अब ये 3 लोग वहां पर थे तो हो सकता है 3 लोग वही आसपास ही थे। संजीव काका जी और राय बहादुर, उन 3 में से किसी ने एक गोली चलाई, 3 में से किसी ने एक गोली चलाकर चेतन का मुंह ही बंद कर दिया। मगर चेतन ने देखा उन 3 में से किसी को वो 5 इंच की गोली चलाते हुए। सर इन सब में मुझे मत फंसाइए सर, उस समय तो ऑफिस में बैठा हुआ था। और सर मैं किचन में था। तुम किचन में थे, किसी ने देखा था? सर घर में कोई और था ही नहीं तो देखेगा कौन। वही तो काका जी, वही तो। जब गोली की आवाज सुनी तो मैं किचन से बाहर भागा और मैंने देखा कि राय बहादुर साहब बाहर से घर के अंदर आ रहे हैं। क्या राय बहादुर अंदर आ रहे थे? जी हाँ सर, गोली चली बाहर और वो भागे अंदर। मैंने उनको देखा कि वो अपनी जेब में कुछ छुपा रहे थे। गन ही होगी और क्या। हाँ डॉक्टर साहब। हाँ, जिस गोली से चेतन की मौत हुई वो राय बहादुर जी की गन से चली। और सर राय बहादुर की गन पर 3 लोगों की उंगलियों के निशान है। एक तो राय बहादुर की खुद की उंगलियों के निशान है। हाँ, और दूसरा? बाकी 2 निशान किसके हैं यह अभी मालूम नहीं चला है। जो लोग घर में हैं शायद उन लोगों के उंगलियों के निशान होंगे। ओके सर, ठीक है, थैंक्स सर। हाँ, राय बहादुर जी के गन पे 3 लोगों के उंगलियों के निशान मिले हैं। एक तो राय बहादुर जी का और बाकी 2 किसका अभी तक पता नहीं चला है। तो फिर बाकी 2 बहादुर जैसा मालिक हो और रोहान जैसा बेटा, वहां तो काम करना ही नहीं चाहिए था। आखिर नौकर ही फंसता है ना। चुप। नौकर ही फंसता है। तुम्हारे मालिक के बेटे का खून हुआ है और वो भी तुम लोगों के घर के पास, समझे? साहब अगर बाप बेटे में आपस में ही झगड़ा हो तो उसमें मैं क्या करूं? देखो भाई, जिस गन से गोली चली है उस पर जो उंगलियों के निशान है वो तुम्हारे ही किसी से होंगे ना। सर एक निशान तो राय बहादुर का है सर, फिर हमारे क्यों ले रहे हैं? जाके उसे पकड़िए। सर सालों के सर, 1 मिनट आएंगे प्लीज। क्या हुआ? बस अरे हम तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमें तो राय बहादुर को पकड़ना चाहिए था। जी सर, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। देखा सर, लेकिन इज्जत तो हमारी डूबी ना। बड़ा इज्जत का ठेकेदार है तू। बोल
सब मेरे नाना और रोहन के नाना भाई थे, मुझे वो सब कुछ मिला था, वो जमीन, वो जायदाद, सब कुछ। लेकिन उस रोहन ने और इस सौतेले बाप ने मेरा सब कुछ छीन लिया। मैंने सोचा कि राय बहादुर की गन से मैं रोहन को मार दूंगा और फिर गन वापस सेफ में रख दूंगा, फिर फंसेगा वो राय बहादुर। पता नहीं किसने मेरे घर से गन चुरा के मार दिया चेतन को। मैं तो ऑफिस में बैठा था जब गोली चलने की आवाज आई। मैं दौड़ कर गया और देखा वहां राय बहादुर और काका खड़े थे। तुम्हारे घर में तो कोई और है नहीं? जी नहीं सर। फिर सर मेरी एक फ्रेंड आती है। कौन फ्रेंड? जी सर मिशिका। मिशिका? ये संजीव बड़ा बदमाश आदमी है, यही है जो मुझ पे डोरी डाल रहा था। इसे ये पता नहीं था कि मेरे पहले भी 4 बॉयफ्रेंड्स रह चुके हैं। इसने मुझे अपने घर बुलाया और जब वो अंदर चाय लेने गया तो बाय चांस मेरी नजर उसके गन पे चली गई। मैंने सोचा कि उसी गन से रोहन को मारूंगी और फिर गन वापस उसी जगह रख दूंगी। और तुमने वो गन उस दिन इसके घर से चुरा ली? हाँ। और जब मैं रोहन को मारने गई तो मैंने देखा कि वहां चेतन खड़ा था और रोहन लेटा हुआ था, और मैंने फिर भी रोहन को गोली मारने की कोशिश की पर गोली रोहन को नहीं चेतन को लग गई। सो मैं डर गई थी, इसलिए मैं वहां से भाग गई। और मैंने रास्ते में देखा कि काका और तानिया आपस में बातें कर रहे थे। सुन लिया अभिजीत? दया, ये काका जब गोली चली तब बाहर था, तानिया से बात कर रहा था। कौन गोली चला सकता है, कुछ अंदाजा है आप लोगों को? मैं तो किचन में था सब, खाना बना रहा था। वाह रे वाह काका। हाँ, मैंने ही जान से मारने का प्लान बनाया था रोहन को। वो मशीन जिससे 5 इंच की गोली निकली थी वो भी मैंने ही बनवाई थी। जैसे ही मुझे पता चला कि रोहन मुझे भी धोखा देने वाला है, उसी दिन मैंने ठान लिया कि मैं आज के बाद में कभी भी किसी लड़की के साथ में वो नहीं होने दूंगी जो उसने मेरे साथ किया। वो मशीन किसने लगाई? काका ने। रोहन ने मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। शर्म के मारे वो दुनिया ही छोड़कर चली गई। उस दिन कॉफी पीकर वो लेट गया और मैंने रिमोट से गोली चला दी। वही मर गया धोखेबाज। बस आप लोगों के आने से पहले ही मैंने गोली और मशीन निकाल कर चिपा दी थी। काका जी, तुम्हारी बेटी के साथ जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ, हमें दुख है उसका, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपनी बेटी की जान के बदले में तुम किसी और की जान लोगे। तुमने और तानिया तुमने भी दोनों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जुर्म किया है। तुम दोनों को और मिशिका को भी कानून कड़ी से कड़ी सजा देगा, शायद फांसी।
For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.